मौजूद दोस्तों जेसन जे लतीफ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? ठीक ठाक मज़े में? दोस्तों आज जो है वो हमारा सेमेस्टर का फर्स्ट डे है, तो मैं सुबह के टाइम पे जो है वो अभी क्लास लेने जा रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम है और मैं भी अपने रूम से बाहर निकला हूँ। ये हमारी जो है वो डोमेट्री है, आप देख रहे हैं ये रूम्स हैं। तो मैं आज आपको जो है ना स्टूडियो में पूरी क्लास का जो व्यू और थोड़ा बहुत जो है वो आउटसाइड का व्यू, क्लास के बाहर जो व्यू है वो दिखाऊंगा, और किस टाइप के बच्चे हैं, कौन से कंट्रीज़ के बच्चे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 8:30 बजे हैं और ये क्लास जो है वो 12 बजे तक चलेगी। इसमें बीच में जो है वो आधे घंटे का ब्रेक है, तो मतलब टोटल जो है वो क्लास 3 या 3.25 घंटे चलती है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरा, ताकि जो है वो आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अभी जा रहा हूं पार्किंग की तरफ बाइक निकालने के लिए, क्योंकि यहां से जो क्लास का रास्ता है वो पैदल जो है वो 7-8 मिनट का है, लेकिन जो है वो पैदल कौन जाए, तो हम जो है बाइक का फ़ायदा लेते हैं, एक ये बाइक की, और मैं जा रहा हूँ अभी पार्किंग में। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास जो बाइक्स हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, मतलब इनमें बैटरियाँ लगी हुई हैं और ये चार्ज होती हैं। तो ये देखो अब चार्जिंग का सिस्टम, ये मतलब कि हम इसमें प्लग लगाते हैं और ये कोड लगा हुआ है आप देख रहे हैं, और हम इसको जो है एक एप्लीकेशन है हमारे पास वीचैट, उससे जो है स्कैन करते हैं और वहाँ से जो है पैसे जो है माइनस होते हैं। 1 युआन लगता है 2 घंटे चार्जिंग के, मतलब कि इस बाइक को फुल होने में 8 घंटे लगते हैं, तो 3.5 से 4 युआन लगते हैं, मतलब चाइनीज़ जो करेंसी है युआन, उस हिसाब से 4 युआन लगते हैं। और कई जगह पर जो है वो सस्ती है, मतलब कि 1 युआन में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो है थोड़ी वो चार्जिंग महंगी है। ये मेरी बाइक है जी हाँ दोस्तों, तो उस वक्त मैं अभी बाइक पे हूँ और यहाँ पे सामने एक शॉप है, वहाँ से मैंने जो है ये आइस टी ली है। ये जो है वो मतलब कि हम उसको एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो रूम पे कुछ था नहीं नाश्ते को, क्लास के लिए देर हो रही थी, तो ये मैंने लिया है। ये जो है मुझे फ्रेश रखेगा और जो 3 घंटे की जो क्लास है वो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा तो वेदर के हिसाब से मैं आपको बताना चलूँ कि वेदर जो गुइलिन का होता है, मौसम जो होता है गुइलिन का, वो आमतौर पे जो है वो बारिश वाला होता है, मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई 20 या 25 दिन के बाद जो है वो सूरज निकलता है। तो लास्ट जो 3 डेज गुजरे हैं उसमें जो है वो मुसलसल सूरज था, और अभी जो है फिर से जो है आज से ये मौसम जो है वो बारिश वाला शुरू हो गया है। अच्छा तो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ मेरे, आसमान की तरफ, और पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ माउंटेंस भी हैं, बहुत अच्छा व्यू है हमारी यूनिवर्सिटी का। दोस्तों मेरा रूम से लेके और यहाँ तक क्लास तक जो है वो बाइक पे 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और अभी आप देख रहे हैं कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ। 18 स्पीड है, 19, 20, 22, 26। ये जो है वो दरख्त लगाने का काम चल रहा है, ये जो हर सेमेस्टर में जो है वो दरख्त पुराने निकाल के नए लगाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं उन्होंने अभी ये दरख्त लगाए हुए हैं जो कुछ दिनों के बाद जो है वो हरियाले हो जाएंगे, बाहर का मौसम भी आ रहा है। हाँ तो मैं जो है वो अभी क्लासेस की तरफ आ गया हूँ, बिल्डिंग में पहुँच गया हूँ, और हमारी क्लास जो है अभी वो 3rd फ्लोर पर है, तो मुझे 2 फ्लोर और ऊपर जाना होगा, क्योंकि चाइनीज़ में जो ये रूल है कि ग्राउंड फ्लोर को ये 1st फ्लोर बोलते हैं, तो मतलब कि ये इनका 1st फ्लोर है, और अभी मैं 2nd फ्लोर पे जाऊंगा, उसके बाद 3rd फ्लोर पे। तो ये हमारी क्लास है और क्लास स्टार्ट होने की जो है वो बेल बज चुकी है, अब देख रहे हैं मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूँ। 309 जो है वो क्लास का नंबर है, और अभी जो है वो बेल बजी तो अभी क्लास स्टार्ट होगी। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसमें बांग्लादेश और कजाकिस्तान, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम और भी जो है वो अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज़ हैं,
नाइजीरिया, सूडान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को और भी काफ़ी कंट्रीज हैं उसके स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन थाईलैंड और वियतनाम के और कजाकिस्तान के जो लड़के और लड़कियाँ हैं वो चाइनीज़ में पढ़ते हैं, उनका मतलब कि जो मेजर होता है वो चाइनीज़ में होता है, तो उनकी क्लास अलग होती है और हमारा इंग्लिश में होता है। तो हमारे साथ मतलब कि बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दोस्तों तो ब्रेक का टाइम है और हम अभी जो है वो बाहर खड़े हैं मतलब के कॉरिडोर में, और ये मेरा दोस्त है जो कि नाइजीरिया से है, ये आपको जो है अपना तारुफ कराएगा। Yo guys, my name is Abubakar Aliyu. I come from Nigeria. I study with this guy. Ashfaq is a good friend of mine. My major is civil engineering. I study with this guy. He's a good student. Gulamullah Tata, Karachi, Sujawat. I want to visit Pakistan because it is a good country for Muslims. Oh. Good friend. How about you? Yeah. How about you? दोस्तों तो अभी हमारी जो है वो क्लास ख़त्म हो गई और 12 बज गए हैं, क्योंकि जो है वो 12 बजे चाइनीज़ का लंच होता है, 12 बजे ये लंच करते हैं। तो अभी हम भी जाएंगे रूम की तरफ और अपना लंच वगैरह बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है वो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गांव में मुझे याद रखिएगा। सिंध सलामत, साथ सलामत।